गुड मॉर्निंग डॉक्टर गुप्ता। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह कहाँ चल दिया आज? घर जा रहा हूँ, इंटर्नशिप जो खत्म हो गई, अब घर से हॉस्पिटल आया करूंगा। चलो अच्छा हुआ, कैंटीन के खाने से तो छुट्टी मिली। इंदर, हाँ, ए, ये ले अपनी पेन। गुड मॉर्निंग। अरे तेरी गाड़ी तो उसको लेने नहीं आई? कल आई थी सामान लेने के लिए, आज के लिए मैंने मना कर दिया कि सूटकेस जो है वार्ड भाई को भेजा ऑटो रिक्शा लाने के लिए, अभी तक आया नहीं। तब तो लगता है पहले दिन तेरा नाश्ता गया। ले, बच गया तेरा नाश्ता। और सुन, घर जाकर आंटी जी अंकल सबको मेरा नमस्ते बोलना। हाँ नमस्ते मालकिन। नमस्ते। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। कौन आया था यहाँ? कोई नहीं तो? अच्छा जाओ। एचएमटी घड़ी से वक्त मिलाई है। एचएमटी घड़ियां हमेशा वक्त का साथ देती हैं। इस समय एचएमटी घड़ी के मुताबिक 8:25 हुए। 8:25? अरे बाप रे, आज का भी नाश्ता गया। गायक मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर। सॉरी मिस्टर मोहम्मद रफी, बट इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। हाय पॉप। गुड मॉर्निंग एल्विस। अरे बाप रे, सुनते हो 8:30 को है, जरा जल्दी करो ना, माँ जी आ गई होंगी। हाँ चलो चलो। मुन्नी कहाँ है? ओहो वो तो नीचे चली गई, चलो ना। गुड मॉर्निंग नारी माँ। गुड मॉर्निंग मुन्नी, तुम सबसे अच्छी बेटी हो घर में, हमेशा पंक्चुअल। थैंक यू दादी माँ। सुबह की पढ़ाई की? जी दादी माँ। गुड, बैठो। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग मॉर्निंग। अरे आज इतनी जल्दी तैयार हो गए? हाँ भैया, आज ब्रेकफास्ट के बाद ही चला जाऊंगा। अच्छा, वो बैरिस्टर त्रिपाठी है ना, हाँ। उनके साथ एक कंसल्टेशन है। ओ भाभी, आज इंदर घर पर ही रहेगा ना? हाँ, हॉस्पिटल की इंटर्नशिप तो खत्म हो चुकी है, अब तो रोज घर आना जाना होता ही रहेगा। चलो अच्छा ही हुआ, पिताजी की देखभाल के लिए घर पर ही एक डॉक्टर रहेगा। हाय मुन्नी। हाय। ये क्या, अभी तो कोई नहीं आया? ये देखो, मैं ठीक वक्त पहुंच गया हूँ। इसे कहते हैं पंक्चुअलिटी। जो आदमी पंक्चुअल ना हो ना, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। माँ बिल्कुल ठीक कहती हैं। दादी माँ ये भी तो कहती है कि चिल्ला चिल्ला के बात नहीं करनी चाहिए। शुक्र है मेरे सिवा कोई तो है जो घर के तौर तरीके याद दिला सके। जीते रहो। सचमुच आजकल तुम बहुत चिल्ला के बातें करने लगे हो इंदर। सॉरी माँ। बैठो। तो आ गया इंदर? बस अभी आया भैया। भाई और तुम्हारी खांसी की दवा से बहुत फायदा हुआ मुझे, और लानी पड़ेगी। अच्छा। आज तो बड़ी तारीफ कर रहे हो, कल तक तो नौसिखिया डॉक्टर कहकर देवर जी का मजाक उड़ा रहे थे। क्या? अरे भाई क्यों भांडा फोड़ रही हो? अरे सब लोग आ गए। अरे इंदर बेटा तू भी आ गया, अब तो यही रहेगा ना? हाँ पिताजी। चलो अच्छी बात, बैठ। जगन नहीं आया? अरे कुछ देखो क्या कर रहा है, वरना फिर भूखा रह जाएगा। देखने की कोई जरूरत नहीं, उसे खुद ही वक्त पे पहुंचना चाहिए। नहीं नहीं माँ जी, वैसे उसे हफ्ते में 3 दिन नाश्ता नहीं मिलता। फिर भी तू सबक नहीं सीखता। इसे कहते हैं नुक्ते पर पहुंचना, यानी ऑन द डॉट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अंदर बनियान क्यों नहीं पहनी? जी देर हो रही थी तो जल्दी जल्दी में। कंघी क्यों नहीं की? कंघी की तो थी। तो फिर बाल खड़े क्यों है? डर के मारे। चल बैठ। आज आ जा, बैठ बैठ बैठ। चलो मैं शुरू करें। ठहरिए, पहले ये बताइए ये किसके पैरों के निशान है? ये किसके पैरों के निशान है भाई? ये निशान उनसे क्या पूछ रहे हैं, वो सब तो मेरे सामने ही अभी आए। भाई मैं क्या जानू किसके पैरों के निशान है। अरे चमचा उल्टा रखा है इंदर, इसे सीधा कर ले। मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं मालूम। अभी मालूम हो जाएगा। उठिए उठिए, ये निशान पे पैर रखिए। नहीं नहीं चप्पल मत उतारिए, ये चप्पल के ही निशान है। लाइए पैर। मिल गया। अरे हाँ याद आया, तुमने कहा था ना 8 बजे दवाई खाने के लिए, तो मैं बागीचे में था, याद नहीं था, तो मैं जल्दी जल्दी आया आकर इस तरह घूर क्यों रही हो? ये मैंने किया है, मैं इसे साफ करूंगा। गोपीनाथ
एक मैला कपड़ा लाओ, मैं साफ करूंगा। आप बैठ जाइए, मैं साफ कर देती हूँ। तुम क्यों साफ करोगे? इस घर का जो कायदा कानून है सबके लिए एक है, जो गलती करेगा भुगतना उसे है। क्यों इंदर, बोलना। नहीं नहीं, मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला हूँ। आप बैठते हैं या नहीं? अच्छा मैं बैठ जाता हूँ। पिताजी अब आपका ब्लड प्रेशर कैसा है? बेटा चप्पल का निशान देखकर तो बिल्कुल उतर गया था, अब नॉर्मल है। ये ले, तू कह रहा था ना जिम रीज आउटडेटेड हो गया है, इसको सुन के देख। तुम लगाओ भैया, मैं दरवाजा बंद करता हूँ, कहीं माँ अचानक ना अटपके। ये हेडफोन कहाँ से लाया तू? मैंने पॉकेट मनी से खरीदा है, ये पढ़ाई का वक्त है, माँ को म्यूजिक सुनाई नहीं देना चाहिए। इंदर माँ, मैं यहाँ हूँ। मर गया, मर गया। भैया बंद करो, सब बंद करो। हाँ, करता हूँ, करता हूँ। हाँ, हाँ। ये क्या कर रहे तू? पेट में दर्द है, समझ गया ना? समझा। एक मिनट माँ, ये दरवाजा क्यों बंद कर रखा था? अरे इसे क्या हो गया? इसके पेट में बहुत दर्द है माँ, मैं एग्जामिन कर रहा था। ये अचानक दर्द कैसे हो गया? घबराओ नहीं माँ, फिक्र की कोई बात नहीं है। क्या है कि खाता बहुत है ना, आज का खाना बंद कर दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है माँ, मैं तो इंदर भैया का टेस्ट ले रहा था, झूठ मूठ डॉक्टर बने घूमते हैं। खुद तो इम्तिहान में फेल होते रहते हो और बड़ों की टेस्ट लेते हो। हाँ देखो ना माँ। इंदर मैं तुमसे कहने आई थी कि अपने पिताजी का एक और ECG करवा दो। हाँ माँ, मीटिंग में जा रही हो? हाँ। माँ उस लड़की के बारे में कुछ फैसला किया? वो लोग पूछ रहे थे। कौन सी लड़की? वही जिसका चंद्र भाई के लिए रिश्ता आया था, मेरे दोस्त की बहन। हाँ। बहुत काबिल लड़की है माँ, इस साल बैडमिंटन चैंपियन हुई है यूनिवर्सिटी में, और नेक्स्ट। तो क्या इस घर में वो बैडमिंटन खेलेगी? मुझे इस घर के लिए चैंपियन वैम्पियन नहीं, बहू चाहिए जो घर गृहस्थी की देखभाल कर सके। ये तुम्हारी पढ़ाई का वक्त है, बैठ के लेसन तैयार करो। जी। लगता है चंद्र भैया कुंवारे ही रह जाएंगे। क्यों? माँ को तो बिल्कुल धार्मिक फिल्मों की हीरोइन जैसी बहू चाहिए, ऐसी लड़की आजकल कहाँ मिलती है। भैया अगर तुम्हें शादी करनी हो तो अपना इंतजाम खुद ही कर लो। और तू? मैंने तो शादी कर ली है। किससे? संगीत से। सुनो। हाँ गाओ। मैं महिला केंद्र की मीटिंग में जा रही हूँ। हाँ जरूर जाओ, मगर मेरे जाने का मतलब ये नहीं कि मेरे जाते ही तुम चोरी से चाय पीना शुरू कर दो। कल जरा जी चाहा था इसलिए। तुम्हें शर्म नहीं आती, बच्चों की तरह हरकतें करते हो। बच्चों का बाप जो हूँ। अच्छा अच्छा घूरो मत, मैं को गड़बड़ नहीं करूंगा, लेकिन जाते हुए देखती जाना गुलाब के पौधों पर मैंने क्या कारीगरी की है, क्या गुलाब आया है, फूल मौजूद कांटे गायब। कांटे के बिना गुलाब क्या होगा, और गुलाब होगा तो कांटे भी होंगे, और वो चुभेंगे भी, और चुभन झेलनी भी पड़ेगी। समझ गया समझ गया, तुम्हारे कहने का मतलब बिल्कुल समझ गया। वाह 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 वाह। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई जी। मैं सच कहता हूँ द्वारका, जब तुम्हें और भाभी को साथ देख लेता हूँ तो जी खुश हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे महादेव और पार्वती साथ साथ हो, जैसे राम और सीता, जैसे जैसे गुलाब और कांटा, यानी कि गुलाब तुम कांटा मैं। रमा बेटी कैसी है? बहुत अच्छी है भाभी, आपके आशीर्वाद से लड़का भी अच्छा मिल गया और घर भी। बैठिए ना। हम लोगों की खुशी तो इसी में है ना भाभी कि बच्चे खुश रहे। हाँ, और क्या? चंदर के लिए भी कोई अच्छी लड़की ढूंढ दीजिए ना भाई साहब, आप तो सुंदर की शादी करवा के भूल ही गए कि घर में और भी लड़के हैं। भाभी एक लड़की है मेरे ध्यान में चंदर के लिए, मेरे एक दोस्त है रामदयाल, उनकी बड़ी बेटी, लड़की की गारंटी मैं लेता हूँ, अच्छे खाते पीते लोग हैं। उमा शंकर, ज्यादा खाना अच्छा नहीं और पीना तो बहुत ही खराब है। कभी तो सीरियस रहा कीजिए भाई साहब, हम लड़की देखना चाहते हैं, आप जितनी जल्दी हो सके बंदोबस्त कर दीजिए। आप बैठिए, मैं चाय भेज रही हूँ, मुझे जरा मीटिंग में जाना है। जरा ज्यादा चाय। मैंने कहा भाभी जरा चाय ज्यादा भेजना, एक बड़े गिलास। इन्हें चाय पीना मना है, सिर्फ एक प्याली भिजवाती हूँ। समझ गई, जाने दो, एक सिगरेट पी लेते। हार्ट अटैक के बाद तुम्हारा सिगरेट पीना मना है? अरे एक आध पी ले तो क्या हुआ। देखो द्वारका, भाभी जो कुछ भी करती है तुम्हारे भले के लिए करती है, सच पूछो तो उसकी शक्ति के जोर ने इस घर को बांध रखा है,
नहीं तो इस घर के चार लड़के अब तक चार घर कर बैठे। ये तो है। खैर उमाशंकर, चंदक रिश्ते की बात नहीं भूलना। क्या नाम बताया अपने दोस्त का? रामदयाल। अंजू, अंजू आई। कहाँ है मंजू? मंजू, आर यू रेडी? बिल्कुल। ये लीजिए डैडी। चलो सब नाश्ता करो। ये दोस्त तो जल गया। ए आशा फिलहाल जरा ध्यान से। अरे नहीं, नहीं, नहीं। ये उम्मीद नहीं थी श्री वाई पी चौहान से। क्यों डैडी, क्या हुआ? उन्होंने इंदिरा जी को छोड़ दिया। हाँ, सबने मिलके कांग्रेस को तोड़ दिया। वैसे रेड्डी जी की अच्छी प्रोपोजिशन थी। लेकिन डैडी उनकी भी तो ऑपोजिशन थी। नहीं बेटा, सवाल है एकता का। क्यों भाई अशरफी, ये हाल है नाश्ता का? क्यों, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई? ये है तेरा काफिया। चल मुंह खोल, मुंह खोल, मुर्गा बोल, मुर्गा बोल। नाश्ता ठंडा हो गया? ये नैपकिन तेरा गंदा हो गया। हल्दी चढ़ते चढ़ते अब तो एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा हो गया। जियो बेटा जियो। अरे अंकल। आओ उमाशंकर, आओ उमाशंकर, जिसे हम समझते थे गुरु घंटाल, यानी कि हमारे ये अशरफी लाल। काफिया मिला के आज कर गया कमाल। वाह वाह, आज क्या खिलाओगे ये रहा सवाल। बाजरे की रोटी और मसूर की दाल। वाह। ए, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सौंफ खा रहे हो? कमाल है, सौंफ भी नहीं खा सकती। चल चलना। अरे आप तो ऐसे ऐसे डांट रहे जैसे हुक्म का गुलाम है। यो, मैंने कब डांटा? और नहीं तो क्या। अरे बाबा तो झगड़ा मत कर। और फिर मैं हुक्म का गुलाम थोड़ी हूँ, मैं तो हुक्म की मेम हूँ। ठीक है ठीक है, चल। अब क्या करूं? क्या हुआ भाई? दिमाग का खेल है ना पिताजी, सोचना पड़ता है। क्यों मंजू? अंकल जी, आपने बहुत देर से पान नहीं खाया, दो चार पान खाइए ना। खा तो रहा हूँ। नहीं वो पान नहीं, ये पान, ये पान, दो चार पान खाइए ना। क्यों दीदी? जाने दे रहे, जब वो नहीं खाना चाहते तो क्यों जबरदस्ती करती है? ये लीजिए चाल। अरे क्या हुआ, क्या हुआ रामदयाल? अरे ये दोनों मिलकर हमको उल्लू बना रही है। वो कहते तुम समझे नहीं, इसने क्या कहा? अंकल जी, अंकल जी, आपने बहुत देर से पान नहीं खाया, दो चार पान खा लीजिए ना। और इसने चल दिया पान का चौवा, देख रहे हो? और ये देखो, मैं हुकुम का गुलाम नहीं हूँ, मैं हुकुम की मेम हूँ। चुटकी कही की। बेटा खेल में तो इंसाफ करो। पिताजी इस बार हमें माफ करो, चोरी करना बुरा काम है, ना करेंगे पीढ़ी ये पाप। तुम तो अभी बच्चे हो और मैं हूँ तुम्हारा बाप। जाओ बेटे घूमने चल जाओ, तो जल्दी तैयार हो जाओ, जाओ। अरे मैं तो भूल ही गई, चलो दीदी। मैंने कहा रामदयाल अब तो ये बचपना खत्म करो। तुम तो जानते हो उमाशंकर, ये दोनों इतनी इतनी सी थी जब तुम्हारी भाभी का स्वर्गवास हुआ, तब इन दोनों को पालने के लिए मुझे बच्चा ही बनना पड़ा। जब इन दोनों की शादी हो जाएगी मैं एकदम से बूढ़ा हो जाऊंगा। बैठो बैठो बैठो। सतपुछो आज मैं यही बात करने आया हूँ। क्या? अंजू के लिए एक रिश्ता है। अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं, लड़का वकालत करता है, अंजू सुखी रहेगी। तो और क्या चाहिए, मैं भी यही चाहता हूँ, जहाँ भी जाए खुश रहे, सुखी रहे। उसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ, उस घराने के खुश रहने का स्टाइल जरा दूसरा है, लेकिन लोग इतने अच्छे हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि अंजू को पता भी नहीं चलेगा कि कब बदल गई। तो चलाओ बातचीत। अरे क्या बात चलानी है, पुणे में रहते हैं, टेलीफोन किए देता हूँ, आकर लड़की देख जाए। रिश्ता आया है, हर सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता।
जगन मैं आऊं माँ। अरे छत पर क्या कर रहा है? एक्सरसाइज कर रहा था माँ, सेहत के लिए अच्छी होती है ना। अच्छा देख, कल सबको चंदर के लिए लड़की देखने बम्बई जाना है। मैं नहीं जा पाऊंगी और सुंदर चंदर भी नहीं जा पाएंगे। अरे वाह, जिनके लिए लड़की देखने जा रहे हैं वो खुद क्यों नहीं जाएंगे? हमारे यहाँ कोई इतना बेशर्म नहीं जो अपने लिए खुद लड़की देखने जाए, और वहाँ कोई पूछे तो यही जवाब देना। और देख, ख्याल रखना कि तेरे पिताजी वहाँ सिगरेट चाय या मिठाई उठाई न खाने लगे। हाँ हाँ, आप उसकी चिंता न कीजिए। और लड़की ठीक से देख लेना। बड़े आए लड़की देखने वाले, मैं पूछती हूँ आखिर तू राजी कैसे होगी? मैं क्या करती, डैडी का कहना मानने से इनकार कर देती? और हाय हाय हाय, ये क्यों नहीं कहती कि शादी के लिए तड़प रही है? दूध दूध क्या, जैसे सुना की शादी होने वाली है तड़ से तैयार हो गई कि आओ मुझे देख लो, मैं बहुत अच्छी हूँ। अरे लड़की देखने की रीत तो चली आ रही है जमाने से। रीत माय पुट। अरे दीदी तू क्या 300 वाली लड़की है या मौत के कुएं में चलने वाली मोटरसाइकिल कि तुझे देखने आएंगे? ठीक है आने दो, दिखलाने के लिए तुझे तैयार तो मैं ही करूंगी ना। दादी के गहने पहनाऊंगी और माताजी वाली बनारसी ब्रोकेड की साड़ी, झमेला बानो की कव्वाली नजर आओगी, वकील साहब देखते ही भाग जाएंगे। लड़की देखने आ रहे हैं ना, आने दो। क्या है? वो लोग आ गए। आ गए? आइए 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 आइए, धन्य भाग हमारे। देखा राम दयाल कितने पंक्चुअल लोग हैं, 4 बजे आने को कहा था, ठीक 4 बज रहे हैं। जो वक्त के पाबंद नहीं होते। सुना उनसे आपके संबंध नहीं होते। ठीक कहा आपने। आइए आइए, बैठिए बैठिए। आप लोग बैठिए, मैं अब भी आया। आओ बैठिए, आओ बैठो बैठो, आओ आओ बैठे बैठो। मैं लड़की का पिता हूँ, आप तो सूरत से ही पहचान गए होंगे। मुझे द्वारका प्रसाद कहते हैं। ये मेरी बड़ी बहू है। नमस्ते। मेरा बड़ा बेटा सुंदर किसी काम की वजह से आ नहीं सका, वैसे घर में इसी की चलती है। हमारी यहाँ स्त्रियों की ही ज्यादा चलती है। सॉरी पापा। सुंदर के बाद है चंदर, जिसके रिश्ते के लिए हम आए हैं। तो वो क्यों नहीं आए? वो इतने बेशरम थोड़ी है कि खुद लड़की देखने आते। क्यों पापा? माँ ने कहा था कि ये बात निकले तो यही जवाब देना। ठीक है ठीक है। यह इंदर, इसी साल इसने डॉक्टरी पास की और साथ में ये सबसे छोटा लड़का है। नमस्ते। नमस्ते। सुंदर चंदर इंदर के बाद बंदर नहीं जगन्नाथ। इनकी माताजी नहीं आई? वो धुमके की मीटिंग में गई हैं। धुमके का मतलब है दुखियारी महिला केंद्र। 9 बजे तक उनकी मीटिंग खत्म हो जाएगी, उससे पहले हमें पहुँचना है। जरा लड़की को बुलवा दीजिए। उमाशंकर गए, अभी आती होगी। वाह वाह वाह, क्या सजावट है, बिल्कुल खादी भंडार में रखी हुई गुड़िया। और बहुत अच्छे। हाँ लगता है अभी अजायब घर से निकल के आ रही हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, वो लोग पीछे देखते ही भाग जाएंगे। तैयार हो गई? चल बेटी चल। रामलाल जी जरा देर हुई है, अगर जी अभी देखता हूँ अभी देखता हूँ। उमाशंकर देर क्यों हो रही भाई, जल्दी करो, इन लोगों को जाना है पूना। बाप रे, इस तरह चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं ये लोग। भाभी अच्छा हुआ मम्मी नहीं आई, नहीं तो ये लड़की क्या पूरे खानदान को कैंसिल कर देती। चुप रहे, अभी आती है। अश्वी लाल मिठाई लिया भाई, जरा मुंह मीठा कर लीजिए। नहीं नहीं पापा को मिठाई बिठाई बिल्कुल नहीं। क्यों? माँ ने मना किया है। बात यह, मुझे डायबिटीज की शिकायत है ना, इसलिए इसकी माँ। अरे मिठाई खाना मना है, मुंह मीठा करना थोड़े मना है। हर बात पर मैं माँ का जासूस। आओ बेटी आओ। जीती रहो बेटी जीती रहो, आओ बैठो। वाह 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 वाह, इस जमाने में भी ये श्रृंगार, ये गहने, ये कपड़े। बेटी तुम्हें देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई।
जब शादी करके आई थी ना, बिल्कुल ऐसे ही सच के आई थी। हैनेंदर, मैं तो सब पैदा भी नहीं होता पिताजी। अरे मैं भला कब पैदा हुआ था उस वक्त, तुमने एल्बम में नहीं देखा? रामदयाल जी, आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है। बहू, कुछ पूछना तो पूछ लो। चलिए रामदयाल जी, आपका बागीचा देखे, मुझे फूल पौधों का बड़ा शौक है। आओ उमा शंकर, तुम भी आओ। आओ मेरे पास आओ। बैठो। अरे इम्तिहान तो दीदी का है, और पसीना आपको छूट रहा है जी? वो क्या है कि आज जरा गर्मी है ना, तो इसमें लड़की का क्या कसूर? ये मैंने कब कहा? अरे जो कुछ पूछना है पूछ लो ना इनसे। तुम ही पूछ लो ना भाभी। मुझे जो कुछ पूछना था उसका जवाब मिल गया है, अब तुम पूछ लो। आपका शुभ नाम? आप तो बहुत जोर से हंसती हैं। माफ कीजिए, हमें मुंह दबा के हंसना नहीं आता। और फिर आपके सवाल ने मुझे एक बात याद दिला दी। क्या बात है, जरा हम भी सुने। हाँ हाँ, मेरी एक सहेली रमोला, उसकी शादी हुई। सुहागरात में दूल्हा बाबू को यही नहीं सूझ रहा था कि बात शुरू कैसे करें, तो उन्होंने कहा, रमोला तुम्हारा नाम क्या है? चुप रहे, स्टेल जोक। खैर मैं दूल्हा नहीं, दूल्हा का छोटा भाई हूँ। तो दूल्हा बाबू कहाँ है? वो नहीं आए। क्यों, हम भी जरा देख लेते उन्हें। हमें देख लीजिए, पूरा धान देखने की क्या जरूरत है? वैसे वो भी हम जैसे ही हैं, ऐसे ही कदकाठी, ऐसा ही रंग, ऐसे ही देखने में। बातें भी आपकी तरह करते हैं जी, मुझसे भी मीठा बोलते हैं। बोलना ही उनका पेशा है ना, वकील जो ठहरे। आप कहाँ तक पढ़ी है जी? ये ओफो, मेहरबानी करके जरा इन्हें भी बोलने का मौका दीजिए प्लीज। आप कहाँ तक पढ़ी हैं? हाँ भाई तुम ही बोलो, नहीं तो हमारे देवर जी समझेंगे कि तुम गुंगी हो। जी मैंने संस्कृत में एमए किया है। अरे बाप रे, एमए? वो भी संस्कृत में? अरे भैया तुम तो एक बार संस्कृत में गड्ढा खा गए थे ना। सब मुंह मीठा कीजिए, रिश्ता पक्का है। मुझे किसने कहा अशरफी? किसने भी कहा हो, खाइए बर्फी। Wish you a very happy marriage. Thank you very much. लीजिए साहब, आइसक्रीम लीजिए। जी मुझे नहीं चाहिए। थोड़ा तो शौक फरमाइए। नहीं सच, मुझे अच्छी नहीं लगती। जी तो चाह रहा आपका, आपकी बात सच्ची नहीं लगती। अच्छा आपने कैसे जाना? अजी साहब हमने भी देखा है जमाना। अशरफी लाल जी साहब, उधर सब मेहमान खड़े हैं। हाँ। और आप यहाँ काफिया में पड़े हैं। अब... जाइए सबको आइसक्रीम खिलाइए। अच्छी बात है। एक मिनट। जाइए खाइए। लीजिए, आपको दो खानी पड़ेगी। दो? आप दूल्हे के भाई है ना? वो तो ठीक है, लेकिन आपने हाथ क्यों लगा दिया? प्रेम में रहने दिया होता मैं अपने आप ले लेता। क्यों, क्या मैं अछूत हूँ? अछूत नहीं, अछूत ही है आप। देखिए ना, आपके हाथ लगाने से आइसक्रीम पिघल गई होगी। वो कैसे? बात यह है कि आपका मिजाज गर्म है ना, एक मिनट में घुलकर पानी हो गई होगी। तो आप हाथ में लेकर के रखिए ना, दो मिनट में फिर जम जाएगी। आप तो काफी ठंडे हैं। पिघल के घेर जमी हुई आइसक्रीम खाने में मजा नहीं आता। ओ, काफी नॉलेज है आपको आइसक्रीम के बारे में। बात यह है कि मेरे दोस्त की आइसक्रीम की फैक्ट्री है। जी हाँ, और ये उसमें पार्टनर है। अच्छा अच्छा, तो आप आइसक्रीम भी बेचते हैं? जी हाँ। लेकिन मैंने तो सुना था कि आप डॉक्टर है। क्यों, डॉक्टरी में आमदनी नहीं होती है क्या? खास कुछ नहीं, अभी नई नई प्रैक्टिस शुरू की है ना। समझी समझी, तो इसीलिए आपने आइसक्रीम का धंधा शुरू कर दिया है। सबको सड़ी आइसक्रीम खिलाते हैं ताकि खाने वाला जब बीमार पड़े तो इलाज के लिए फिर आप ही के पास आए। अरे वाह वाह वाह, क्या हाजिर जवाबी। मैंने कहा था ना कितनी ग्रेट है। अच्छा एक बात बताइए, कि आपकी दीदी भी इतनी ही ग्रेट है? जी हाँ। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर वो भी आप जैसी हैं
तो मुझे मेरे भैया के लिए भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। अरे सुनिए, आइसक्रीम तो देते जाइए। यार तूने फालतू बेचारे को परेशान कर दिया। क्यों ना करूं, मेरे भैया की साली जो है, मेरा भी तो हक बनता मजाक करने का। भैया की साली यानी आधे घर वाली। वाह वाह, तेरा भी जवाब नहीं। आजकल इतने उदास क्यों रहते हो भाई? अरे कादर मैं क्या बताऊं भाई, अंजू बिटिया चले जाने से जिंदगानी के तू की चला गया। आज 6 महीना हो गया कुकुर को बोले को। क्या हुआ बेटी, ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? कुछ नहीं दादी। कुछ तो जरूर होगा, ऐसे चुपचाप तो तू कभी नहीं रहती। दादी, दीदी के बिना जीने की आदत क्यों नहीं पड़ती? एक ही दिन में हरी भजी क्यों नहीं सड़ती? चलिए चलिए, सरसों की तूप बनाइए और जुबान लाइए। अशरफी, बोर मत कर। साहब, शायरी के बिना इस घर में मुझसे काम नहीं होगा। सुना, ये कह रहा आप यहाँ काम नहीं करूंगा? हाँ, चूल्हे से गागर नहीं भरूंगा। अरे कुछ तो बताइए, अगर ये मुश्किल है तो कोई आसान काफिया बताओ। अशरफी लाल, तुम क्यों नहीं समझते, दीदी के बिना काफिया नहीं बनता। ये तो सोचो बेटा, हम यहाँ 3 हैं और जीना मुश्किल हो गया है, वहाँ तो बेचारी अंजू अकेली है। साहब सुनिए, आप लोग हवाई अंजू बेटिया की घर, बेटी बिस्तर उठाने के लिए हम भी चले चलेंगे। हाँ हाँ, चलिए ना दादी। नहीं बेटा, मैं कैसे जा सकता हूँ, तू चली जा। नहीं, आपको अकेला छोड़कर मैं नहीं जा सकती। एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, और फिर अशरफी लाल तो है ही, हम दोनों तुक भिड़ाते रहेंगे, क्यों अशरफी लाल? हाँ साहब, मेरा भी है यही ख्याल। ठीक है, तो फिर ऐसा करती हूँ, कोई खबर दिया बगैर ही पहुंच जाती हूँ, देखते ही उछल पड़ेगी दीदी। हाँ, वाह गोपीनाथ जी, सामने आओ, ये लो 10 रुपए इनाम। आज पहली बार मुझे पराठे का मजा आ गया। पिताजी, तब तो ये इनाम अंजू को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पराठे अंजू ने बनाए हैं। वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। चलो बाबू, रोज ऐसे पराठे बनाओ, रोज तुम्हें ऐसे इनाम मिलेंगे। आज तो पराठे का मजा आ गया। उमा शंकर आया होगा। दीदी! ये अचानक उमा चाचा की आवाज को क्या हो गया? दीदी! मंजू आई है। बहू बैठो। जी, जीती रहो। मगर ऐसे कैसे आ गई, खत नहीं, खबर नहीं? मैं आप सब लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज? आपने तो हम सबको शॉक दिया है। अच्छा, आपको शॉक भी लगता है? खैर, बातें सब लोगों से बाद में होगी, पहले नाश्ता हो जाए। प्लेट ले लो बेटी, आराम से बैठ के खाओ, पराठा कहीं भाग नहीं जाएगा। इतना सबर नहीं कर सकती आंटी जी। हाथ तो धो लेती। मुंह धुला हुआ है। बहू, बहन को ऊपर ले जाओ। जी, मैं नाश्ता ऊपर ही भिजवा देती हूँ। हाँ, मेरे ख्याल यही ठीक रहेगा। पहले ये बताओ बेटी, रामदयाल जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, आप सबको प्यार भेजा है। सॉरी हाँ, मेरे हाथ झूठे हैं ना, इसलिए प्रणाम बाद में कर लूंगी, आशीर्वाद अभी दे दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तेरा सामान कहाँ है? टैक्सी में। इंदर, तू जाके टैक्सी से सामान उतरवा ले। और सुनिए प्लीज, उसी तरह चेंज भी ले लीजिएगा, वैसे मैंने 20 रुपए का नोट दे दिया है। चल अंजू। एक मिनट आंटी जी, प्लेट में आधा टुकड़ा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना? चलो। इसे भी तूने अपने डैडी का घर समझ रखा है, पैर रखते ही धमाचुकड़ी मचा दी। अरे तो क्या हुआ, यहाँ का रहन सहन वहाँ से अलग है, उठने बैठने के, खाने पीने के, हंसने बोलने के अलग कायदे हैं। हैं? हंसने बोलने के लिए भी कोई कायदा मानना पड़ता है क्या? हाँ भाई, आहिस्ता बोलते हैं, कम बोलते हैं, और जरूरत ना हो तो नहीं बोलते। अरे बाप रे, ऐसे तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ, बिल्कुल मिलिट्री रूल लगता है भाई। दीदी, तू यहाँ जी कैसे रही? जब प्यार मिलता है ना,
तो कोई भी बंधन बुरा नहीं लगता। तेरे जीजा जी इतने अच्छे हैं कि पूछ मत। लीजिए, संभालिए इन पहाड़ के टुकड़ों को। बहुत भारी है क्या? भारी? पता नहीं क्या ईंट पत्थर भरे हुए हैं। दो कुलियों का बोझ है। ये लीजिए चेंज। रख लीजिए। क्यों? अरे, दो कुलियों का बोझ उठाकर लाए हैं, मजदूरी समझ के रख लीजिए। मंजू, आते ही मजाक शुरू कर दिया। नहीं दीदी, मैं तो सीरियसली बोल रही हूँ। कमाल है। देख मंजू, मैं भाभी। थैंक यू मैम साहब। That's okay. ये कोई ढंग है बात करने का? अरे दीदी, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बुरी आंख वालों का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि तेरी शादी में अपने सब दोस्तों के सामने इन्होंने मेरा कैसे मजाक उड़ाया था। इन हजरत को तो मैं ठीक करके ही जाऊंगी। क्या बना रहे हैं आंटी जी? मेरे यहाँ रसोई में चप्पल पहन के नहीं आते। चप्पल बाहर उतारा। सॉरी, लेकिन आप बना क्या रही हैं? एप्पल खीर। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। तुम्हें पसंद है? पसंद? एप्पल खीर किस उल्लू को पसंद नहीं आएगी? मुझे पसंद नहीं। गोपीनाथ, खीर जरा ज्यादा बनाना, मंजू भी खाएगी। क्यों, खीर सबके लिए नहीं बन रही है? नहीं, सिर्फ तुम्हारे चाचा जी के लिए। ओहो, फिर तो रहने दीजिए। जब सबके लिए बनेगी तब खाऊंगी मैं। फिलहाल एप्पल खीर की जगह मैं एक एप्पल ही खा लेती हूँ। खाने से पहले तुम हाथ तो धोती नहीं, कम से कम एप्पल तो धो लिया होता। कुछ नहीं होता आंटी जी, मुझे बीमारी वारी कुछ नहीं होती। गोपी भैया, एक प्याला चाय मिल सकती? चाय इस वक्त? अरे, चाय के लिए भी कोई वक्त होता है आंटी जी। चाय तो चीन देश की तुलसी है। ये चीन नहीं, हिंदुस्तान है। लेकिन हमारे यहाँ तो जब जी चाय चाय पी लेते हैं। जो हमारे यहाँ होता है वो तुम्हारे यहाँ होता है? तो ये क्यों सोचती हो कि जो तुम्हारे यहाँ होता है वही हमारे यहाँ होना चाहिए? माँ, कल सुबह डॉक्टर जोशी आ रहे हैं चेकअप करने के लिए। अच्छा। किसका चेकअप होना आंटी जी? सबका, यहाँ महीने में एक बार सबका चेकअप होता है। ओ, लेकिन घर में डॉक्टर होते हुए बाहर से डॉक्टर क्यों आएगा? वो हमारे पुराने डॉक्टर हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक किया आंटी जी, नए डॉक्टर पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। कॉपी वॉपी करके पास हो जाते हैं इम्तिहान में और फिर आ जाते हैं डॉक्टर बनके। वाह, बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। थैंक यू डॉक्टर जोशी, थैंक यू। आपके कहने का मतलब है कि अब मेरे ब्लड प्रेशर में प्रेशर नहीं रहा। हाँ, न हाई न लो, अब सिर्फ एक ही प्रेशर है जो रहना चाहिए इनका। हाँ, इनके डिसिप्लिन का प्रेशर न होता तो आप इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं हो सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इंदर बेटा, बाकी चेकअप तुम कर लेना। ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ। गुप्ता जी, आप बैठे रहिए। अच्छा, आइए भाभी, आपसे शुरू करते हैं। जाओ तुम लोग सब चेकअप करवा लो। चंदर, जरा हाथ दिखाओ तो। ये पीला दाग क्यों है? तुमने सिगरेट पीना फिर शुरू कर दिया है। नहीं माँ, वो... नहीं माँ, तो ये दाग कैसे पड़ गया? तुम्हें मालूम है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए कितना खराब है। गवर्नमेंट ने भी हर पैकेट के ऊपर चेतावनी लिखवा रखी है और तुम फिर भी। क्या है? मुझे एक सवाल पूछना है। पूछो। दारू पीना खराब है इसलिए सरकार दारू बंदी कर रही है। अगर सिगरेट पीना खराब है तो वो सिगरेट बंदी क्यों नहीं कर देती? अरे जगन, तू जानता है सरकार को सिगरेट से कितना टैक्स मिलता है, कितनी एक्साइज ड्यूटी मिलती है? करोड़ों रुपए। कमाल है पप्पा, करोड़ों रुपया कमाने के लिए सरकार जानबूझकर लोगों को जहर पीने देती है। सरकार भी मुनाफाखोर हो गई क्या? ये बात नहीं। बात बात कुछ नहीं डैडी, जवाब दीजिए। इसका जवाब देना पड़ेगा। इसका जवाब देना तो बड़ा मुश्किल है बेटा, इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है। ठीक है, आज ही मैं प्राइम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखता हूँ। नहीं, प्राइम मिनिस्टर को अपना काम करने दो, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। वाह जगन, हैट्स ऑफ टू यू यार, क्या सवाल पूछा है, कोई जवाब नहीं दे सका। सबके सब पॉलिटिशियन की तरह टाल के चले गए प्रॉब्लम को। फर्स्ट क्लास भाभी। थैंक गॉड। आइए, आपकी बारी है। कौन, मैं? जी हाँ, आपकी। मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।
हम सभी ठीक है मंजू दीदी, लेकिन मेडिकल चेकअप हमारे घर का नियम है। जाओ बेटे जाओ, चेक करवा लो। देखते हैं आपके ब्लड में कितना प्रेशर है। चंदन। जी पिताजी। तुम्हारी माँ ने सबके सामने तुम्हें डांट दिया, तुम्हें बुरा लगा? नहीं पिताजी। लेकिन बेटा वो जो कहती है ठीक ही कहती है, हो सके तो सिगरेट पीना छोड़ दो। अच्छा पिताजी। और सुनो, एक सिगरेट है, इसे फेंक। नहीं पिताजी। सत्यानाश। क्या हुआ? टेरिबल। क्या टेरिबल? ब्लड प्रेशर 220/110। 220/110, ये कैसे? अब समझा, इसलिए इनका मिजाज इतना घबराने की कोई बात नहीं है। एक इंजेक्शन दे देता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे आप। इंजेक्शन? यस, इट्स नेसेसरी, वेरी नेसेसरी। इतनी बड़ी सुई? हाँ, क्या करें, आपकी बीमारी भी तो इतनी बड़ी है। जगन, चल हाथ पकड़। एक, चिल्लाइए नहीं, इस घर में चिल्लाना मना है। देवर जी, क्या सचमुच मंजू का प्रेशर इतना ज्यादा है? अरे नहीं भाभी, ये आपकी बहन है ना, बहुत पटर पटर करती है, इसलिए मैं उसे सबक सिखा रहा था। वो तो सुई देखते ही मैं समझ गया था, इससे तो घोड़ों को इंजेक्शन देते हैं। आंखों का डरा दिया बेचारी को। सुनिए, मैं क्या? जी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा ऊंचा बोलिए ना। मालूम नहीं, इस घर में ऊंचा बोलना मना है। इस घर में खुसर फुसर करना भी मना है, जो कहना ठीक से कहिए, समझी? इंदर, इतनी ऊंची आवाज में बातें क्यों कर रहे हो, जरा आहिस्ता बोलो, आजकल तुम्हें हो क्या गया है? यही तो मैं भी कह रही थी आंटी जी, लेकिन ये सुनते ही नहीं। सुनो, 4 अप्रैल को सबको इलाहाबाद पहुंचना है, तुम्हारी मौसी की चिट्ठी आई है, सुनीता की शादी है, छुट्टी के लिए दरख्वास्त दे दो और सबके लिए ट्रेन का रिजर्वेशन करा लो। लेकिन माँ, पिताजी के लिए सफर ठीक नहीं होगा, उनकी हार्ट की हालत। मैं जानती हूँ, हम दोनों नहीं जाएंगे, तुम सब जाने की तैयारी। भाभी, ये आपकी बहन है ना, इसे जरा समझा दीजिए, वरना। क्यों, क्या किया उसने? अरे सुबह सुबह डांट पड़वा दी माँ से मुझे। वो तो सबके कान कतरती रहती है, मैं क्या करूँ, तुम ही जाके निपट लो। ठीक है। देवर जी, यहाँ क्या कर रहे हैं? पिछली भाभी, जूते, ये जूते किसके हैं? ये तो मंजू के हैं। क्यों? नहीं, बहुत अजीब किस्म के हैं, है ना? वो लड़की अजीब तरह की चीजें पसंद करती है। नमस्ते चंदा बाबू। नमस्ते गोपीनाथ। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग, बैठो।
गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। अरे तू यहाँ कहाँ से आ रहा है? मॉर्निंग वॉक के लिए गया था मम्मी, सेहत के लिए अच्छा होता है ना। अरे तू तो वैसे ही पहलवान है, तुझे मॉर्निंग वॉक की क्या जरूरत है, आ बैठ। गुड मॉर्निंग नरिमा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। सॉरी सर। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। नमस्ते। गुड मॉर्निंग भाभी। नमस्ते बेटी। गुड मॉर्निंग आंटी जी। गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो। गोपीनाथ बड़े बाबू को बगीचे से बुला लो। अरे माँ ये क्या है? किसके हो सकते हैं ये? तो किसी जानवर के पैर का निशान लगता है। क्या? बिल्कुल लोमड़ी जैसे, लेकिन किसी लेडीज हाइल जूते के निशान भी हो सकते हैं। मगर इस घर में कोई हाइल पहनता ही नहीं भैया। हाँ। मंजू दीदी जरा यहाँ आइए। मैं? हाँ। अपने जूते दिखाइए। देखो। अरे ये तो तुम्हारे ही जूते के निशान है। लेकिन मेरे जूते तो बिल्कुल साफ है, इसमें कीचड़ कहाँ लगा हुआ है? शायद सुबह आप गार्डन से यहाँ आई गई होंगी। जी नहीं, सुबह से पहली बार नीचे उतर के आई हूँ। तो शायद आपका जूता खुद ब खुद कीचड़ लगा के यहाँ वहाँ घूम रहा होगा। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं मंजू दीदी, जिसके जूते के निशान है उसे ही साफ करने पड़ेंगे। क्यों माँ, ये हमारे घर का कायदा है। अरे अजीब कायदा है। ठीक है, अगर इस घर का यही कायदा है तो मैं साफ कर देती हूँ। गोपीनाथ डस्टर लाओ। लाइए मुझे दीजिए, मैं साफ कर देता हूँ। क्यों मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों, और फिर इस घर का कायदा कानून? प्लीज प्लीज, इसलिए क्योंकि निशान मैंने बनाए थे। क्या? जी हाँ, आपको फंसाने के लिए। लाओ देवर जी, मैं साफ किए थे। नहीं बहू, ये इंदर को ही साफ करने दो, मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। लाइए भाभी। यहाँ कैसे बैठी हैं? कैसे मतलब? जैसे बैठा जाता है वैसे बैठी हूँ। ओफो, लगता है बहुत ऑफ मूड में हैं आप। इस घर में ऑन मूड भी कोई रह सकता है? ऐसे मुंह लटका करके मैं नहीं रह सकती, मैं तो एक दो दिन में चली जाऊंगी। नहीं नहीं ऐसे मत कीजिएगा प्लीज, नहीं तो मुझे। नहीं तो क्या? बहुत बुरा लगेगा, लगेगा कि आप मेरी वजह से जा रही हैं। सच? अच्छा, कल से आप इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं, इतने शिवरिस क्यों होंगे? कल सबके सामने मुझे बेइज्जत करने का इतना अच्छा मौका छोड़ दिया आपने। आपकी बेइज्जती करने का इरादा थोड़ा ही था, वो तो आपकी चाल का मैं जवाब देना चाहता था। जब देखा कि मामला बहुत सीरियस हो गया है तो अपनी चाल वापस ले ली। अच्छा एक बात बताइए, क्या शरारत करना बुरी बात है? अरे ये तो मैं आहिस्ता, ये तो मैं पूछना चाहती हूँ कि शरारत करना कोई बुरी चीज है क्या? आप लोग ऐसे रहते कैसे हैं बाबा, कोई खेल नहीं कोई शरारत नहीं, इस तरह बंदे बंदे रहने में दम नहीं घुटता है? डिसिप्लिन को बंधन थोड़ी कहते हैं। लेकिन इतने डिसिप्लिन क्या अच्छे लगते हैं? नहीं बात यह है कि बचपन से आदत जो पड़ गई है। मुझे तो लगता है घर में सभी को आदत पड़ गई है। आप अगर साथ दें तो मैं आपको एक प्लान बताऊं। कैसा प्लान? आप किसी को बोलेंगे तो नहीं? नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस? तो मिलाइए हाथ। तुम्हारे इंदर भैया कह रहे थे कि तुम्हें मॉडर्न म्यूजिक का बहुत शौक है। घबराओ मत, मुझे भी है, लेकिन तुम तो सबके सामने सुन नहीं सकते। इस तरह छुपके छुपके म्यूजिक सुनना, इतना डिसिप्लिन, क्या तुम्हें अच्छा लगता है? अच्छा लगता है क्या बताऊं मंजू दीदी, मैं तो आसमान में उड़ने वाली एक चिड़िया हूं जो इस पिंजरे में बंद पड़ी है। कभी कभी जी चाहता है कि मैं इस कानून के पिंजरे को तोड़कर उड़ जाऊं। जगन जी अगर आप मेरा साथ देना तो मैं इस घर में निर्मल आनंद की गंगा बहा दूं। मैं बिल्कुल तैयार हूं, कहिए क्या करना है। पहले ये बताइए कि इस घर में किस किस की किस चीज में दिलचस्पी है? जैसे हमारा तुम्हारा म्यूजिक में है, आंटी जी की डिसिप्लिन और महिला समाज में है, अंकल जी की गार्डनिंग और फूल पत्ती में है। नहीं? मुझे तो लगता है कि पापा को फूल पत्ती से ज्यादा दिलचस्पी खाद में है। खाद में? क्या मतलब? जो भी मिलता है उसे पकड़ के लेक्चर देने लगते हैं, ये खाद डालने से ये फूल वैसा हो जाता है, वो फल वैसा हो जाता है।
भाई, I must say, brilliant observation. और बड़े भैया? बड़े भैया? नहीं मंजू दीदी, अगर उन्हें पता चल गया तो हर महीना जो 10-20 रुपए मिलते हैं उनसे वो भी बंद हो जाएंगे. देखो जगन, दोस्ती की कसम, आज तुम जो कुछ भी कहोगे वो हमारे तुम्हारे बीच रहेगा. अब बोल. बड़े भैया को सबसे ज्यादा दिलचस्पी है ताश खेलने में. ताश? इस घर में ताश? घर में थोड़ी ही खेलते हैं. दफ्तर की छुट्टी हो जाने के बाद बड़े भैया के दफ्तर में मायकादा महफिल जमती है. चंदर भैया भी वहाँ पहुँचते हैं. जीजा जी? हाँ, वही तो बड़े भैया के ब्रिज में पार्टनर है. लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? एक दिन मुझे 2-4 रुपए की जरूरत पड़ी. आपको तो मालूम है माँ से 2-4 रुपए या 2-4 पैसे मिलने की उम्मीद नहीं, तो मैंने सोचा बड़े भैया से मांग लो. भैया हैं? जी हाँ हैं. भैया, अरे जगन, तू इधर, क्या बात है, तू यहाँ कैसे आया? भैया मुझे 2 रुपए चाहिए. ओ, ये बात है, ये ले 10 रुपए. ले भैया मुझे 2 रुपए चाहिए. तो क्या हुआ, 10 ही रख लेना. और मेरी तरफ से 5 रख ले. मगर देख जगन, इसके बारे में माँ से पूछना कहना है. अब आप ही बताइए मंजू दीदी, जो मुर्गी सोने का अंडा देती हो उसे कोई कभी काटता है? जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है मैं वहीं चला जाता हूँ. 1 रुपया मांगता हूँ, 10 मिलते हैं. अब भला मैं माँ को क्यों बताऊ? नहीं नहीं जगन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. 1 रुपए की जरूरत हो तो 1 ही मांगना चाहिए, 10 नहीं, नहीं तो इसे ब्लैकमेल कहा जाता है. हाँ मंजू दीदी, मुझे भी कई बार ऐसे ही ख्याल आया. अच्छा अब ये बताओ, बड़ी भाभी को किस चीज में दिलचस्पी है? बड़ी भाभी को? वो दिलचस्पी तो हर औरत में होती है, जरूर आप में भी होगी. वो क्या? वो क्या? घंटों आईने के सामने खड़े होकर खुद अपनी फिगर देखना, बार बार आंचल सुवारना. कभी कभी तो मैंने उन्हें आईने के सामने डांसिंग पोज बनाते हुए देखा. डांसिंग पोज? हाँ, ऐसे वैसे. बात यह मंजू दीदी कि इस घर में अपने मन का काम चोरी छिपे ही करना पड़ता है, सब कुछ कायदे में बंधा है ना. क्या सोच रही हैं आप? कायदा कायदा कायदा, हर चीज में कायदा, आखिर इसका फायदा? कायदा छोड़ के सोचो एक दिन. छोड़ के नहीं, तोड़ के एक दिन. हाँ वही तो, कायदा तोड़ के सोचो एक दिन. चांद निकलता नीचे से और मैदान पे रखा होता. होती दीदी तो क्या मजा आता. और हाथ में चम्मच लेकर जाती, रात दिन बस चाल ही खाती. चाहे होता ज्यादा कायदा कायदा, आखिर कायदा, अरे कायदा कायदा, आखिर कायदा. अच्छा सोचो, सूरज का रंग नीला होता, होता, पेड़ों का रंग लाल, लाल, पंछी रहते पानी में, वाह, और मच्छी गगन विशाल, वाह वाह वाह. Thank you.
किया कमाल, दादा तूने किया कमाल, ऊपर गगन विशाल। अच्छा सोचो, अरे सोच के देखो, खेत में उगते टॉफी, पेड़ पे फलते लड्डू पेड़े, और नल खोलो तो कॉफी। दीदी ऐसा क्यों नहीं होता है, जो होता है वो क्यों होता है? कारण, फिर वही कायदा। कायदा कायदा आखिर कायदा, अरे कायदा कायदा आखिर कायदा। समझ गए ना क्या करना है? बिल्कुल, चलिए तो सही। चलो बड़े भैया, इसका मतलब क्या हुआ? बड़े भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अंग्रेजी बहुत कड़क है। अरे ये तो पामिस्टर की किताब है। हाँ बड़े भैया, मंजू दीदी की है। बड़े भैया मंजू दीदी क्या हाथ देखती हैं। अच्छा अच्छा मतलब, अरे मैं तो फ्लैट हो गया। जगन। हाँ मंजू दीदी मैं यहाँ हूँ, आओ ना। गुड मॉर्निंग बड़े भैया। मॉर्निंग। लो इसी किताब को तो मैं ढूंढ रही थी। अगर तुम्हें पामिस्टर सीखनी है ना तो पहले एलिमेंट्री किताबें पढ़ो। मंजू सुना तुम बहुत अच्छा हाथ देखते हो। थोड़ा बहुत। मेरा हाथ देखो ना जरा। सुबह सुबह? हाँ, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद है, देखो ना मिलेगा कि नहीं। वो क्या है कि हाथ दूसरों के सामने नहीं देखना चाहिए। जगन प्लीज। ओके एज यू प्लीज मंजू जी। क्या हुआ? इतनी फैबुलस सनलाइन और आप बिजनेस में चले गए? आप तो स्पोर्ट्स में वर्ल्ड फेमस हो सकते थे। मंजू तुम तो पकड़ी गई। क्यों? मैं तो बचपन में सिर्फ गिल्ली डंडा खेलता था। ओहो, ये डबल लाइन ऑफ मार्स यहाँ आकर के कट गई, इसलिए तो। बड़े भैया आप इंडोर स्पोर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियन हो सकते थे। आप बिलियर्ड खेलते हैं? नहीं। नहीं? टेबल टेनिस? नहीं। तो शतरंज तो जरूर खेलते होंगे। नहीं। वो भी नहीं? नहीं। ओ, ताश। मेरा मतलब जुआ नहीं, जैसे कि ब्रिज। मंजू तुम तो रियली ग्रेट हो, क्लब में सभी कहते हैं कि मैं और चंदर आसानी से नेशनल चैंपियंस हो सकते हैं। अच्छा देखा, मैंने कहा था ना, तो हो जाए एक दिन कॉम्पिटिशन, आप और जीजा जी, मैं और अंजू दीदी। तुम लोग भी बीच खेलते हो क्या? हम लोग भी चैंपियन हैं भैया मोहल्ले के। कहिए चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? इस घर में ताश सक्रिलेज, माँ को मालूम पड़ गया तो सत्यानाश। बड़े भैया आप क्या समझते हैं कि ब्रिज जैसा महान दिमाग का खेल खेलना सच में जितना खराब है? आंटी जी को अच्छा नहीं लगता है तो उन्हें मालूम नहीं पड़ना चाहिए। हम उनका अपमान करने के लिए थोड़ी खेलेंगे, हम तो सिर्फ निर्मल आनंद के लिए खेलेंगे। इसके बाद भी भैया अगर आप कहेंगे कि आप नहीं खेलेंगे ना, तो मैं समझूंगी कि आप हारने के डर से नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, कल संडे है, छुट्टी, माँ महिला केंद्र के काम पर चली जाएंगी, तब खेलूंगा। पर मंजू ये बात हम चारों के सिवा और किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। ओके, मिलाइए हाथ। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटी। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ बैठो ना। क्या करें अंकल? खाद डालने के लिए खोद रहा हूँ। अच्छा अच्छा अंकल, सब लोग फूलों की ही तारीफ क्यों करते हैं? कोई खाद के बारे में तो सोचता ही नहीं कि बेचारी खुद को मिट्टी में मिलाकर फूलों को खिलाती है। वाह वाह, कितनी खूबसूरत बात कह दी तुमने। मैंने ठीक ही बोला ना? बिल्कुल, लगता हमारा तुम्हारा वाइब्रेशन एक है। हाँ, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। पिताजी मैं एक गुलाब का फूल तोड़ लूँ? बिल्कुल नहीं, ये फूल मैं किसी को नहीं देता। लेने दीजिए ना अंकल जी, शायद किसी गर्लफ्रेंड को देना चाहते होंगे। अच्छा जाओ ले लो। क्या हुआ अंकल जी? बेटी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बातें इस तरह खुल्लम खुल्ला नहीं करते। क्यों नहीं करते? गर्लफ्रेंड होना कोई बुरी बात है क्या? बुरी बात तो नहीं है, मगर मगर क्या? आप लोग तो बस, मैं क्या आपकी दुश्मन हूँ?
किसने कहा? मैंने कहा। दुश्मन है तो फिर दोस्त हो ना, कहिए हाँ या ना, कहिए कहिए। हाँ। तो दोस्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रेंड। और मैं लड़की हूँ यानी कि गर्ल, तो अब मैं आपकी क्या हुई? गर्लफ्रेंड। वेरी गुड। और आप मेरे क्या हुए? बॉयफ्रेंड। करेक्ट हुए ना। हुए तो फिर आज से मैं आपको अंकल जी नहीं बॉयफ्रेंड कहा करूंगी और आप मुझे गर्लफ्रेंड, मंजूर? अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के सामने नहीं, अकेले में। ऑलराइट। कहाँ जा रही? अपनी डायरी लाने, कॉन्ट्रैक्ट पर आपके सिग्नेचर लूंगी जनाब। मेरा मतलब बॉयफ्रेंड। भाभी आपने मुझे बुलाया? बैठो ना। सुना है तुम बहुत अच्छा हाथ देखती हो। लो तो बड़े भैया ने आपको बता भी दिया, तो फिर मेरा भी भविष्य बताना। हाँ हाँ, सही सही बताना। बाएं हाथ दिखाइए। भविष्य बताने से पहले मैं कुछ अतीत के बारे में पूछूंगी। पूछो। भाभी आप मुझे अपना हाथ नहीं बताती तो अच्छा था। क्यों? पकड़ी गई ना। क्या मतलब? पहले मेरे सर की कसम खाइए कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। मैं भी कसम खाती हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अच्छा बाबा, तेरे सर की कसम, अब तो बता। ले ये। भाभी आपकी ये जो माउंट ऑफ वीनस है ना, हाँ? बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो शादी से पहले बहुत से लड़के मरते थे ना आपस। धर देखिए, हाथ की रेखाएं कभी झूठ नहीं बोलती। आपकी तो लव मैरिज हुई है। बिल्कुल नहीं, अरेंज मैरिज। देखिए अगर आपको भविष्य जाना हो तो मेरे सवालों को सच से जवाब दीजिए। मैंने कहा ना मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। भाभी बताइए ना, सुंदर भैया ने आपको शादी से पहले नहीं देखा था? पहले दरवाजा तो बंद कर। अभी बंद किया देती हूँ। अभी बताइए। देखा था। कहाँ? हमारे कॉलेज के एनुअल फंक्शन में। आए? आप फंक्शन में क्या कर रही थी? डांस कर रही थी। देख मंजू, ये बातें किसी को मालूम नहीं। मालूम होंगी भी नहीं, फिर बताइए ना क्या हुआ। उन्हें बहुत अच्छा लगा। क्या डांस या डांसर? दोनों ही। फिर हम दोनों एक दूसरे से मिले। उसके बाद उन्होंने उमाशंकर अंकल से छुपके से सारी बातें बता दी। उसके बाद शादी पक्की हो गई। इसका मतलब यह है कि इस घर में इन दोनों के सिवा और कोई नहीं जानता कि आप डांस जानती हैं? कोई नहीं। भाभी मैं भी कथक सीखती हूँ, आप मुझे दो चार अच्छे थोड़े सिखा दीजिए ना। चल, मैं तो कब का भूल गई। नहीं, ये सब बातें कोई भूलता नहीं। भाभी छत पे चलिए ना। चल, पागल हो गई है क्या? क्यों? माँ जी को मालूम हो गया तो मुझे मैके भेज देंगे। ओफो, आंटी जी का हुक्म ठुकराने के लिए या उनका अपमान करने के लिए हम थोड़े नाचेंगे। हम तो नाचेंगे सिर्फ निर्मल आनंद के लिए। आंटी जी को अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए हम उनकी गैर हाजिरी में सीखेंगे। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर डांस इतना घटिया होता तो क्या आपके और मेरे पिताजी हमें सीखने देते? ये बात तो ठीक है, नृत्य जैसे कोई कला ही नहीं। कौन? ओ, आप जी यहाँ क्या कर रही हैं? पिताजी को चिट्ठी लिख रही हूँ। अरे ये कोई जगह है चिट्ठी लिखने की? हाँ जरा प्राइवेट मामला है ना, आइए ना। सुनिए, मेरे आने से आपको बहुत परेशानी हुई ना? क्यों? देखिए ना, मैं आई तो आप बेघर हो गए, मैंने आपके कमरे को ऑक्यूपाई कर लिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ना, अगर मैं आपके घर में रहने आता और आपके यहाँ एक्स्ट्रा बेडरूम नहीं होता तो आप मुझे अपना कमरा दे देती ना? आई होप, मैं तो अपने कमरे में किसी को घुसने तक नहीं देती हूँ। अच्छा ये तो बताइए, वो गुलाब का फूल कैसे लगा आपके गर्लफ्रेंड को? मुलाकात नहीं हुई। अरे तो फिर क्या किया आपने उस फूल का? उस फूल को मैं उसके ड्रेसिंग टेबल पर रखाया हूँ, एक ग्लास में। चलो ये भी एक अच्छा तरीका है प्यार जाहिर करने का, देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। भाई क्या मालूम, बिगड़ भी तो सकती है। क्यों? उसके दिमाग का कोई भरोसा नहीं। वैसे है लाखों में एक, पढ़ाई लिखाई में कमाल और कला में तो
कला में तो कमाल अमरोही है। देखिए, एक लड़की के सामने दूसरी लड़की की इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, बैड मैनर्स। अच्छा, आप उस लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते? सच बताऊं, इरादा तो कुछ ऐसा ही बन रहा है, लेकिन वो मेरे बारे में क्या सोचती है उसका मुझे मालूम नहीं। अच्छा सुनिए, आप मेरी थोड़ी सी मदद करेंगी? मैं? वो कैसे? उसकी मन की बात जानकर अगर आप मुझे बता दें तो आपका बड़ा एहसान होगा। ठीक है, पहले मिलाइए तो उसे। मिलाऊंगा बाद में, फिलहाल उसकी फोटो देख लीजिए। मेरे कमरे में, मेरा मतलब आपके कमरे में ड्रेसिंग टेबल पर एक लाल रंग की किताब है, उसी में उसकी तस्वीर है। अगर आप पसंद कर लेंगे तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। फिर तो मैं अभी देखकर उसे कैंसिल। आंटी जी, आप जीते रहो। मैं आज ही आपके पास आने की सोच रहा था, काफी दिनों के आपके दर्शन नहीं हुए। अब्बास, सुना है डॉक्टर बनने के पहले फिल्म इंस्टीट्यूट के चक्कर लगाया करता था एक्टर बनने के लिए। जी वो शादी के बाद बिल्कुल ही गायब हो गया, 3 महीने से दिखाई नहीं दिया। क्या बताऊं आंटी जी, हॉस्पिटल के काम से मरने तक की फुर्सत नहीं मिलती। क्वार्टर में चलिए ना फरीदा, मेरा मतलब है कि आपकी बहू बहुत खुश हो जाएगी। अभी नहीं, फिर कभी आऊंगी, फरीदा को मेरा प्यार कहना। अच्छा, और इंदर कहाँ है? अपने कमरे में। चलिए मैं छोड़ के आता हूँ। नहीं, तुम अपना काम करो, मैं चली जाऊँ। आओ। अरे सुनिए जी, आपका आइसक्रीम का धंधा कैसे चल रहा है? देखिए, आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। आप? हाँ वही आधी घर वाली। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? मिलने आई हूँ। मेरा मतलब है, मेरी एक सहेली यहाँ काम करती है, मैं उससे मिलने आई हूँ। हाँ जरूर मिल लीजिए, मगर इस वक्त आंटी जी बैठी हैं आपकी सहेली के कमरे में, यानी कि इंदर के कमरे में। आंटी जी? जी हाँ। अरे बाप रे, कितने देर में जाएंगी? क्यों, अकेले में मिलने वाली कौन सी बात है? जी नहीं, मेरा मतलब है कि। देखिए मैं मतलब सब समझता हूँ, आप मेरे साथ चल के मेरे क्वार्टर में बैठिए, मैं इंदर को ही बुलवा देता हूँ। और इसी बहाने आपकी फरीदा से भी मुलाकात हो जाएगी। फरीदा? जी हाँ, मेरी घर वाली, आधी नहीं पूरी। ए रघू, इंदर से जाके बोल दे कि अब्बास नईम साहब ने बुलाया है, जैसे फुर्सत मिले मेरे क्वार्टर में चला है। चलिए चलिए। इंदर, कोई डरने की बात तो नहीं है ना? फिक्र मत कीजिए माँ, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू, यू वेलकम। साहब, आपको अब्बास नईम साहब ने बुलाया है क्वार्टर में, काहे फुर्सत मिलते ही आ जाए। सचमुच बड़ा मजा आएगा, मजाक का मजाक हो जाएगा। और लेकिन सब कुछ है तुम्हारे ऊपर, जितनी बताई उतनी एक्टिंग तो कर लोगी ना? आपकी बीवी आपकी हूँ, जितनी एक्टिंग आप करते रहते हैं उसकी आधी तो कर ही लूंगी। बस बस बस, इंदर के लिए उतनी काफी है। क्यों मंजू जी, कैसा लगा हमारा प्लान? छोड़िए ना अभी सब, क्यों? देखिए इंदर भाईजान की मन की बात तो हम जानते ही थे, आज आपके मन की बात भी जान गए, अब आप दोनों एक दूसरे के मन की बात भी तो जान लीजिए। करेक्ट। लेकिन अभी भी एक चाइनीज वॉल खड़ी है इन दोनों के बीच में। चाइनीज वॉल? वो क्या? आंटी जी, यानी कि इंदर भाईजान की माँ जी, उन्हें भी तो पटाना होगा। अरे जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगी माँ जी? हा? हम लोगों ने भी ऐसा किया था, क्यों फरीदा? आपने क्या किया था सो तो मालूम नहीं, मगर आप हैं बड़े किस्मत वाले जो आपको ऐसी बीवी मिली। हाँ, इंदर भी यही कहता है, बोलता है बंदर के गले में मोतियों का हार। अभी तो शादी को सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं, देखते हैं।
मोती असली निकलते हैं क्या नकली? मोती नकली सही, बंदर तो असली है। वाह, मिलाइए हाथ। नहीं नहीं, इस बात पे तो गले मिलना चाहिए। अभी आ गया, get ready, come on। भाभी, ओ भाभी, आइए भाईजान। क्या बात है भाभी, ये अचानक बुला क्यों भेजा? बैठे तो सही। बात क्या है भाईजान? देखो फरीदा, मैं तुमसे फिर बोलता हूँ, इंदर को मत फंसाओ इस बीच में। आप चुप रहिए, एक बहन मुसीबत में अपने भाई से मदद नहीं लेगी तो और किससे लेगी? क्यों भाईजान? हाँ, बिल्कुल ठीक, आप इस उल्लू की बातें मत आइए, बात क्या बताइए ना। भाईजान, आप मेरी शादी में आए थे ना, मेरी जिगरी सहेली सुजाता, उसने आपको वहाँ देखा, बस देखते ही आप पर फिदा हो गई। हाँ, उसके पिता ने उसकी शादी की बात चलाई तो भागकर यहाँ चली आई। बोलो। हाँ भाईजान, मुझे क्या मालूम था कि बात इतनी आगे बढ़ गई है। मैंने उससे कहा, मुंह जली, ये तूने क्या किया, कम से कम अपने खानदान की इज्जत के बारे में तो सोचा होता। उसने कहा, मैंने तो मन ही मन में उनसे ब्याह कर लिया, अब हिंदू नारी होकर दूसरी शादी के बारे में कैसे सोचूं? मैंने कहा, सुन सुजाता। उसने कहा, देख फरीदा, अगर तेरे इंदर भैया ने मुझसे शादी नहीं की तो मैं गले में फांसी लगा लूंगी, या जहर खा लूंगी, या ट्रेन के नीचे जान दे दूंगी। भाईजान, अब उस लड़की की इज्जत आपके हाथ में, उसके खानदान की इज्जत आपके हाथ में है, उसे बचा लीजिए भाईजान, उससे शादी कर लीजिए। जवाब नहीं है? मेरा मतलब है कि इनकी सहेली का जवाब नहीं। लेकिन भाभी यार, अब्बास, तू तो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। क्या जानता हूँ, इसीलिए तो मना कर रहा था। अरे दा, बात ये कि अपने अंजू भाभी है ना, चंद्र भैया की बीबी, हाँ हाँ, उनके छोटे बहन मंजू से ने इश्क हो गया। हाय अल्लाह, उसने सुन लिया होगा, अब क्या होगा? अब तुझे कुछ करना होगा। लेकिन मैं क्या करूंगा यार? अरे यार, वो तेरे ऊपर पागल है ना, तू कहे तो शायद मान भी जाए यार। मुझे हाँ, हाँ भाई जान, चलिए प्लीज चलिए। सोच ले एक बार यार, तू वो नहीं, वो नहीं। देखिए, आप ये पागलपन छोड़ दीजिए। आपने तो सुन लिया होगा कि मैं किसी और को दिलो जान से प्यार करता हूँ। किसको? जवाब दीजिए ना, किसको? है खूबसूरत लड़की, पहले तो लगता था कि थोड़ी सी पागल है, लेकिन आज पता चला कि पूरी पागल है। बेगम, असली मोती क्या, तुम तो असली हीरा हो, हीरा। रिश्ते में तुम्हारा शौहर हूँ, लेकिन एक्टिंग में तुम्हारा बेटा क्या, तुम्हारे बेटे का बेटा, यानी कि पोता हूँ। भाईजान, भाईजान, हम अंदर आ सकते हैं? भाभी, मैं आपकी सहेली को जरा समझा रहा हूँ, इसलिए डोंट डिस्टर्ब। भाभी, कितना अच्छा टुकड़ा है, एक बार दिखाइए ना। खैर, जरा सोच लेने दे। हाँ, 1 2 वाह 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 वाह, तुम्हारा जवाब नहीं भाभी, आई टेल यू टू गुड। एक परिन याद आई, सुन, तुंगा बंसी बच जमना तट राधे संग निरत करत कृष्ण चंद्र भगवान, धीरे 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 छुम 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 छनननन थई, धीरे 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 छुम 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 छनननन थई, धीरे 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 छुम 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 छनननन। वेरी गुड, वाह। क्या हुआ बहू? तुम, माफ कीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अंकल जी, मैंने इनसे जबरदस्ती की थी नाचने को, कसूर मेरा है। नहीं बेटी, कसूर मेरा है, घर में इतना बड़ा कलाकार और मुझे पता तक नहीं। ये खूबसूरत परन, सुंदर बोल,
आपको इस हफ्ते से मालूम हुआ? क्या उस्ताद अलारखा का नाम सुना है? जी जी। मेरा जिगरी दोस्त है, 10 साल उससे मैंने तबला सीखा है। आप और तबला? जी जनाब। अरे एक मिनट ठहरिए, आइए बैठिए। आप ये बताइए, पहले मुझे पूछने दे, इधर आओ बहू, ये तुमने कथक किससे सीखा? जी शंभू महाराज। शंभू महाराज? और अभी तक तुमने मुझे बताया नहीं। बताते कैसे, इस घर में आते से सब मिलिट्री में भर्ती हो जाते हैं। आपने किसी को बताया कि आपने तबला सीखा है? वो तो बेटी तेरी आंटी के लिए, उसे ये सब पसंद नहीं। अंकल जी तो हो जाए कल? क्या हो जाए? उस्ताद अल्लाह रखा और शंभू महाराज की जुगलबंदी हो जाए। हो जाए। अरे पर लेकिन कहाँ? यही। नहीं बेटी, तेरी आंटी को पता चल गया तो? आंटी जी जब महिला केंद्र की मीटिंग में चली जाएंगे तब हम यहाँ आएंगे। बेटी चोरी छुपे कुछ करना अच्छा नहीं। देखिए अंकल जी, अगर गाना बजाना बुरी बात होती तो क्या आप तबला सीखते? हमारे माँ बाप हमें डांस सिखाते, बताइए। ठीक है बेटी, लेकिन लेकिन बेकिन कुछ नहीं। अंकल जी आंटी जी को पसंद नहीं है ना, तो ये बात आंटी जी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। बस हम उनका अपमान करने के लिए थोड़े ही नाचेंगे गाएंगे। हम तो नाचेंगे गाएंगे सिर्फ निर्मल आनंद के लिए। अंकल जी जरा सोचिए ना, कैसा स्वर्गीय दृश्य होगा। ससुर जी तबला बजा रहे, बहू डांस कर रही है और देखने वाले हजारों देवी देवता ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। वाह 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 वाह। तो मैं घूंगी और तबले का इंतजाम करता हूँ। बड़ा मजा आएगा। आपको मालूम है हमारे यहाँ तो दिन रात यही चलता है, शायरी और संगीत। हम तो बातें भी काफिया बंदी में करते हैं। काफिया बंदी में वो कैसे? जैसे आप कुछ बोलिए, कुछ भी बोलिए। बहू तुम बोलो। हाँ हाँ, काफिया का रास्ता खोलो। ये क्या बात हुई? शायरी की एक बात हुई। अरे इसमें तो बड़ा मजा है। काफिया ना मिले तो उसकी सजा है। अरे ये तो बड़ा मजेदार खेल है ना। आपको और आंटी जी को छोड़ के मैंने इस घर में सबको सिखा दिया है। अच्छा? तो कल डाइनिंग टेबल पे हो जाइए खेल। हो जाए, बैठो। अरे ये तो दाल फ्राई की है। ये पहली बार ट्राई की है। मगर पिताजी ये ब्लड प्रेशर की अच्छी नहीं। अरे भाई ये दाल है मच्छी नहीं। वाह चंद्र वाह, तेरा जवाब नहीं। भैया नाश्ता क्या, अगर नाश्ते में कबाब नहीं? अगर कबाब में हड्डी होती तुम मंजू बैठ के रोती। मंजू दीदी रोती नहीं, क्योंकि इस घर की डिसिप्लिन इसके घर में होती नहीं। बाप रे, आप तो हमसे भी आगे निकल गए। अजी सोचते सोचते दिमाग के धागे निकल गए। ये क्या कवि सम्मेलन हो रहा है? नहीं माँ, काफिया का मिलन हो रहा है। बस बस चुपचाप नाश्ता खत्म करो। बेटी बाद में खेलेंगे, बातें अभी कम करो। पिया बाबरी, पिया बाबरी, पिया बाबरी, पिया कहाँ, पिया पिया बोले रे, पिया बाबरी, पिया बाबरी।
लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गतित रंग था खेलत भुज मेलत लपट जपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग भोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जा रे मैं हारी जा जा रे मैं हारी जा जा रे साफ कर रहा हूं। क्यों? क्या आप भी गाना सुनाएंगे? यही तो मुश्किल है। तुम्हें जो कहना था तुमने गा के सुना दिया। गीतकार काम आ गया। मैं कैसे कहूं? कहूं तो बगैर गाए कह दूं? हाँ हाँ कह दीजिए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। देखिए जितना साफ साफ मैंने पूछा है आपसे उतना ही साफ साफ जवाब चाहता हूं। हाँ या ना में? मेरे हाँ या ना कहने से क्या होगा? वही होगा जो आंटी जी चाहती हैं। मंजू तुम तो जादूगर हो, जैसे और सब पे जादू कर दिया है वहां पर भी थोड़ा जादू कर दो ना। अच्छा कोशिश करके देखते हैं। सॉरी माफ कीजिएगा मैंने आपको पीछे से टोका। कोई बात नहीं कहो। आंटी जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इतने सारे काम कैसे कर लेती हैं? देखिए ना घर की देखभाल करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, अंकल जी की तबीयत का ख्याल रखना और फिर ये सोशल सर्विस मीटिंग्स महिला केंद्र इतना सब कुछ करने के लिए आपको इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है? बातें कम करती हूँ ना इसलिए। बातें कम करनी चाहिए एनर्जी के लिए। मिल गया
कांका बांका बाल। देखो देखो देखो। लेकिन बॉयफ्रेंड मुझे ये मजा कभी अपने डैडी से नहीं मिला। ऐसा क्यों बेटी? बस हंस लेती रह गई कि उनका सर अपनी गोदी में रखकर आंखें बाकी बाल नहीं चूम सकी। वो मना करते हैं? नहीं, उनकी भी तो मजबूरी है, वो भी यही कहते हैं कि बेटी हसरती रह गई कि तेरी गोदी में सर रखकर आंखें बाकी बाल नहीं चुनवा सका। लेकिन मेरे समझ में नहीं आया ऐसी क्या मजबूरी है। ओ, उनके बाल कैसे निकालेगी, वो तो टकलू है। इसलिए तो। बाप रे, आप इतने जोर से हंसते हैं, अगर ऐसा हंसा तो हमारे घर में चलिए। अंकल जी, वो भस्मासुर का क्या हुआ? ये भस्मासुर कहाँ से आ गया? भस्मासुर। बेटी वो कहानी बाद में सुनाऊंगा, अभी तू जा, तेरी आंटी से कुछ बात करनी है। अच्छा। सुनो, ये लड़की मंजू बड़ी अच्छी और हंसमुख है ना? हाँ। मैं सोच रहा था अगर इंदर के लिए। क्यों, इंदर ने कुछ कहा आपसे? नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, मैं खुद ही सोच रहा था। लड़की हंसमुख है, खुश दिल है, लेकिन जरूरत से ज्यादा। ऐसी लड़की सिर्फ अपनी ही देखभाल कर सकती है, दूसरों की नहीं। हमारे परिवार के लिए वो ठीक नहीं। जीजा जी, मैं एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ कहो। जी जी, वो क्या बात है, इतना झिझकती क्यों हो? जीजा जी, इस घर में ना हाँ? आपके सिवा सभी बुद्धू हैं। ऐसे कैसे? देखिए ना, ये तो सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल को उल्लू बनाते हैं। जानते हैं ना? अगर मैं आपसे कहूँ कि कल यानी 1 अप्रैल को आप छत पे आइएगा, एक प्रोग्राम है, तो आप मानेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारे कहने पर। बिल्कुल नहीं मानेंगे आप? बिल्कुल नहीं मानूंगा। लेकिन घर में सब लोगों ने मान लिया। अच्छा, और कल आएंगे भी है? हाँ, कल आप छत पे आइए और देखिए कैसे सब के सब उल्लू बनते। जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। आएंगे ना? पक्का, जरूर आएंगे। आइएगा, बड़ा मजा आएगा। निर्मल आनंद, सबने मान लिया कि कल यानी कि 1 अप्रैल को। हाँ, इसलिए तो कहती हूँ कि इस घर में आपको छोड़कर सबके सब बुद्धू हैं। ऐसे लगता, लेकिन मैं जानती थी कि अगर ये बात मैं आपको बोलती ना, तो 1 सेकंड में पकड़ी जाती। करेक्ट। बड़े भैया, अगर आपको निर्मल आनंद लेना है तो कल सुबह चुपचाप छत पे आइए और देखिए कैसे सबके सब बुद्धू बनते। हाँ, कल छत पर तो जरूर आऊंगा, लेकिन तुमने सबको इनवाइट किया, ये राज मुझे क्यों बता दिया? अरे कमाल करते हो, तुम मेरी बात का यकीन करते? नहीं नहीं ना, मुझे मालूम था। देखो देखो, मैं मस्का नहीं मार रही हूँ, लेकिन सच बात तो ये है कि इस घर में सिर्फ तुम ही एक बुद्धिमान हो, अ रियली स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट यंग मैन, जो आजकल के जमाने में बहुत कम नजर आते हैं, इसलिए तो मैं फंस गई। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। यू आर मोस्ट वेलकम। तो कल सुबह छत पर। कमाल है, मुझे तो यकीन नहीं था हमारे लड़के इतने बुद्धू हैं, सबके सब मार गए। आप खुद ही आकर के देख लीजिएगा। आपको आना ही पड़ेगा। देखा, मैंने कहा था ना कि इस घर में सिर्फ आप ही एक अक्लमंद हैं। कल बहुत मजा आएगा, है ना बॉयफ्रेंड? थैंक यू सो मच मंजू दीदी। अरे अरे, इसमें थैंक यू की क्या बात है, मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गई थी कि अगर इस घर में कोई इंटेलिजेंट आदमी है तो वो सिर्फ तुम हो। है तो कल सुबह छत पर, ठीक 10 बजे। चंदर आइए। ये भैया, तू क्या कर रही है? मैं बस वैसे ही। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं भैया? मैं अच्छा लगता है ना सुबह सुबह छत पर। सुबह सुबह छत पर बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग सुंदर भैया। गुड मॉर्निंग सुंदर भैया। गुड मॉर्निंग इंदर। आप लोग यहाँ छत पर? हम लोग बस वैसे ही। यहाँ कैसे? वो क्या है कि बहुत दिनों से छत पर आया नहीं ना, तो देखना है सब कुछ ठीक ठाक है ना। हाँ भाई, देख लो सब कुछ ठीक ठाक है ना। अरे भाई आइए जी, आइए। तुम लोग छत पर क्या कर रहे हो? बस यूं बैठे थे। आप यहाँ कैसे? मैं तो, तुम लोग इतने जोर से हंस रहे थे, मैं आवाज सुन के चल रहा हूँ। अरे यहाँ तो फैमिली गैदरिंग हो रही है।
पापा भैया आज तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। निर्मल आनंद, निर्मल क्या कहा निर्मल आनंद? हाँ मंजू ने कल तुम लोगों से कुछ कहा था? अरे मुंह क्या ताक रहे हो, मैं बताता हूँ मुझसे क्या कहा था। कहा था कि घर में सबसे बुद्धिमान मैं हूँ और तुम लोग सब अप्रैल फुल बनोगे। अरे पिताजी मुझसे भी यही कहा था। मुझसे भी यही कहा था, कंग्रेचुलेट भी किया था। अरे लड़के ने काफी बुद्धू बना दिया हम लोगों को, देखो 10 बजने में 4 मिनट कम है, बुद्धू बनने से पहले भाग चलो। चलो चलो जल्दी जल्दी। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, आइए आइए आइए, आज आपको सचमुच निर्मल आनंद मिलेगा। देखिए जो हम पर भरोसा करते हैं हम उन्हें कभी बुद्धू नहीं बनाते। आइए आज आपको एक म्यूजिकल आइटम दिखाते हैं जिसका नाम है सारे नियम तोड़ दो। बैठिए बैठिए बैठ जाइए, सुनो जी सुनाती हूँ मैं एक कहानी, ये सच्ची है उसके लिए जिसने मानी, ना माने जो कोई तो ठेंगा हमारा, कहानी का राजा है भेंगा हमारा।
जरा से बात का बतंगड़ बना रही हो। अरे बच्चों ने जरा सा हंस कर लिया तो क्या हुआ? मैं कहा मना कर रही हूँ उन्हें, करे ना जो जी चाहे करे, खेले कूदे, घर को चाहे तो क्लब बना दे वरना क्लब में जाके घर बना ले। मुझे क्या जरूरत है कि सबको बांध बांध के अपने कायदे कानून में रखूं? यही कहने के लिए तो मैंने सबको यहाँ बुलाया है। फिर से सोच लो। देखो मैंने सब कुछ सोच लिया है, तुम्हारी जो मर्जी करो, मैं तो यहाँ से जाता हूँ। लोग जरूर जानते हो कि मैंने क्यों बुलाया है तुम सब। आज तक ये घर मेरे कायदे कानून के अनुसार चलता रहा, लेकिन आज पता चला कि मेरे कायदे तुम लोगों को ठीक नहीं लगे। अफसोस है कि तुम में से किसी एक में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझे आकर ये बता सकता। पूछ सकती हूं क्यों? इसलिए कि मुझे दुख होगा, मुझे दुख देना नहीं चाहते थे। और इसी बात ने सबसे ज्यादा दुख दिया है मुझे। तुम लोगों ने जो कुछ भी किया मेरी पीठ पीछे किया। अगर सामने करते तो बताती कि इतने बंधन क्यों डाल रखे थे मैंने सब पर, इतना बड़ा परिवार क्यों और किस तरह से बांध रखा था मैंने। वरना तुम तो डॉक्टर हो, अगर तुम्हारे पिताजी को मैं आजाद छोड़ देती तो इनकी ये चाय कॉफी की आदत और सेहत की तरफ से लापरवाही क्या अब तक उन्हें जिंदा रहने देती? और इस छोटे पर अगर मैं सख्ती न करती तो कई साल पहले इसने पढ़ाई छोड़ दी होती अपने म्यूजिक के पागलपन के लिए। और तुम दोनों रात रात भर क्लब में बैठे ताश खेलते,
और तुम्हारी पत्नियां घर में बैठी उबासियां लेती अगर ये बंदिश न होती कि रात का खाना सबको साथ ही खाना पड़ेगा। आजादी सबको अच्छी लगती है लेकिन ये आजादी की जिम्मेदारी समझते कितने लोग हैं। कोई भी आजादी बिना अपने नियमों के पूरी नहीं होती और इसी को डिसिप्लिन कहते हैं। माँ हम लोगों ने जो भी किया। मैं कोई सफाई नहीं चाहती सुंदर, सिर्फ अपना फैसला बता देना चाहती हूँ। आज से तुम सबको छुटकारा देकर मैं भी इस जिम्मेदारी से छुट्टी चाहती हूँ। तुम लोग जब इलाहाबाद से आओ तो, अरे हाँ इलाहाबाद जाने को भी तो मैंने ही कहा था, लेकिन किसी पर कोई मजबूरी नहीं, जो जाना चाहे जाए और ना जाना चाहे उसकी मर्जी। माँ हमें माफ कर दो ना, अगर आपको बुरा लगा हो तो। मुझे अच्छा लगे ये सोचकर तो तुम लोगों ने ये सब नहीं किया था बहू। सब ठीक हो जाएगा। तुम समझते क्यों नहीं, जो हम चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता। मैं इस घर में फिर कभी नहीं आ सकती। अगर ऐसा है तो मैं अपना ट्रांसफर कहीं और करवा लूंगा, शादी के बाद हम वहीं चलकर आएंगे। नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने आंटी जी को बहुत दुख दिया है, उनको दुख और नहीं बढ़ाना चाहती। अच्छा पिताजी ठीक है, पहुंच के टेलीग्राम भेजना है। जीत रहा बहुत जीत रहा। पिताजी हम लोगों के वापस आने तक माटी को मना लेंगे ना? तुम फिक्र ना करो बहू, शादी में जा रहे हो खुश खुश जाओ, जाओ गाड़ी का वक्त हो गया जाओ। अरे गर्लफ्रेंड तुझे क्या हुआ? देख ये आंसू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझसे बड़ी भूल हो गई बॉयफ्रेंड, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। देखे ना आंटी जी बाहर छोड़ने तक नहीं आए। तू क्यों फिक्र करती है, सब ठीक हो जाएगा। देख इधर मैं ऊपर जाकर थोड़ी लिपापोती करता हूँ, 5-10 मिनट बाद तू आ जाना और मीठी मीठी बातें करना, फिर मैं संभाल लूंगा। ठीक है गर्लफ्रेंड? कुछ काम कर रही हो? महिला केंद्र का? हाँ। सब लोग चले गए, घर सूना सूना लग रहा है, बच्चों के बगैर अजीब सा लगता है, मन नहीं लगता। मन लगाने की आदत डालो, अब सब अपना अपना घर संभालेंगे, हम लोगों को इसी तरह रहना पड़ेगा। कैसी बातें कर रही हो, बच्चों के बगैर घर संसार क्या हो, वही तो हमारे सब कुछ है। हाँ ये तुमने ठीक कहा, वो तो हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन क्या हम लोग भी उनके लिए सब कुछ हैं? देखो निर्मला उसे को बासी नहीं होना देना चाहिए, जो कुछ हो गया उसे भूल जाने की कोशिश करो। आंटी जी। हाँ मंजू बेटे अंदर आ। आंटी जी मैं आज रात के गाड़ी से अपने घर वापस चली जाऊँ। क्यों कुछ बेटी आज ही रात को जाऊँ? पिताजी बहुत याद आ रहे, वो वहाँ अकेले है ना? वो तो ठीक है, सब लोग इलाहाबाद से लौट आए। ड्राइवर को भेज के मैं टिकट मंगवा देती हूँ, तुम्हारे अंकल तुम्हें स्टेशन छोड़ आएंगे। आंटी जी कल जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मेरे घर की जिम्मेदारी या तो मेरी है या मेरे घर वालों की, घर आए मेहमान को मैं घर का जिम्मेदार नहीं समझती। आंटी जी मुझे माफ कर दीजिए ना प्लीज। कहा ना तुमने कोई कसूर नहीं किया, फिर माफी किस बात की? कह दो ना माफ कर दे, इसमें क्या हुआ, एक बार कह देना तुम छोटी नहीं हो जाओगी। मुझे छोटा बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं आपको, मैं जो हूँ जानती हूँ।
आंटी जी, अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे ना तो मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी। हाँ वो तो तुम्हारी मर्जी है बेटा, तुम जाओ आराम करो, रात को तुम्हारे जाने का बंदोबस्त हो जाएगा। रुला दिया ना बेचारी को, रुला दिया ना उस बच्ची को, हंसने खेलने के लिए आई थी, शर्म नहीं आती, बच्चों के साथ झगड़ा लेके बैठ गई। इतने बच्चे नहीं है वो सब, अपना भला बुरा सोचने की समझ बूझ है उनमें। तो फिर अपनी समझ तुम उन पर क्यों थोपना चाहती हो? क्यों चाहती हो कि सबके सब तुम्हारे बच्चे मेमनों की तरह मेमी आते रहे? देखो मैंने किसी को मेमी आने के लिए नहीं कहा। नहीं तो और क्या था, जो कुछ तुमने कह दिया कानून है, वही आखिरी हर्फ। चिल्लाओ मत। चिल्लाऊंगा, जरूर चिल्लाऊंगा। 40 बरस चुप हो सिर्फ इस घर की शांति के लिए, 40 बरस तुम अपना हुक्म चलाती रही हो और एक दिन बच्चों ने हाथ खेल लिया तो सारे घर को तबाह करने पर तुली हुई हो। तो तुम कहना क्या चाहते हो? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, तुम्हारी डिसिप्लिन है जेल की डिसिप्लिन, तुम्हारी डिसिप्लिन है अस्पताल की डिसिप्लिन, सारे घर को अस्पताल बना रखा तुमने। अब जानती हो उस घर में बीमार कौन है? इस घर में बीमार हो तुम। मेरा ख्याल है दिल का दौरा पड़ा है। गोपी भैया तो सबके साथ इलाहाबाद चले गए। क्या हुआ आंटी जी? उनको दिल का दौरा पड़ गया है। तुम डॉक्टर जोशी को फोन कर दो बेटा, कहो फौरन चले आए। नंबर उस डायरी में है। बहुत दर्द हो रहा है। अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं। क्या डॉक्टर जोशी बाहर गांव गए हैं? जी हाँ। ओह गॉड, देखिए यहाँ का सबसे बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट कौन है? डॉक्टर गोखले। डॉक्टर गोखले, मेहरबानी करके आप उनको फोन नंबर दे दीजिए। हेलो डॉक्टर गोखले। यस। गुड आफ्टरनून, मैं बोर्ड क्लब रोज कॉटेज से बोल रही हूँ, आप यहाँ फौरन चले आइए प्लीज। हार्ट अटैक का केस है। देखिए इस वक्त आना तो मुश्किल है, मैं चैम्बर जा रहा हूँ काफी अपॉइंटमेंट्स हैं। देखिए फुल अपॉइंटमेंट्स में एक आध घंटा देर होगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पेशेंट की हालत बहुत खराब है। आई एम सॉरी, आप किसी दूसरे को बुला लीजिए, ये अपॉइंटमेंट्स में बहुत पहले से दे चुका हूँ। लिसन डॉक्टर, अपॉइंटमेंट्स कैन वेट बट डेथ विल नॉट, ये एक इंसान की जिंदगी और मौत का सवाल है। आई एम वेरी सॉरी। क्या आप किस तरह के इंसान है? मुझे मालूम है बहुत सारे अपॉइंटमेंट का मतलब बहुत सारे पैसे, क्या पैसे सब कुछ आप लोगों के लिए? अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है तो फौरन चले आइए। डॉक्टर साहब आ गए, आप बैठिए मैं उन्हें लेके आती हूँ। डॉक्टर गोखले आइए। अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर पहुंच गया। मरीज को बिस्तर से हिलने बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ये दवाइयां भी आप आज से ही देना शुरू कर दीजिए। मैं तो समझता हूँ नर्स भी रख लेनी चाहिए आपको, आपका फैमिली फिजिशियन कौन है? डॉक्टर जोशी, लेकिन इस वक्त तो और स्टेशन है। वैसे तो मेरा बेटा भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है, लेकिन वो भी इस वक्त इलाहाबाद गया हुआ है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? क्या नाम है आपके बेटे का? इंदर, इंदर गुप्ता। ओह इंदर, इंदर तो मेरा ही जूनियर है। अच्छा अच्छा, तो आप इंदर की माता जी हैं, माफ कीजिएगा मैंने टेलीफोन पर बहुत उल्टा सीधा कह दिया आपको। टेलीफोन पर आपने इसके साथ बात की थी? अच्छा, तो वो डांट तुमसे पड़ी थी? माफ कीजिएगा, उस वक्त मेरा दिमाग कुछ ठीक नहीं था। क्या हुआ था? कुछ नहीं, बाद में बताऊंगा। ऐसा है, चैम्बर से लौटते वक्त मैं एक बार फिर आ जाऊंगा, कोई खास काम हो तो मुझे फोन कर देना। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी फीस? हाँ वो तो मैं भूल ही गया था, फीस। अगर इतनी जल्दी क्या है? मंजू, सुंदर वगैरह को खबर भेज देनी चाहिए। भेज दिया आंटी जी, वहां पर इन्विटेशन कार्ड पड़ा था, उससे पता मिल गया। आप अंदर जाकर बैठिए, मैं नर्स और दवा वगैरह का बंदोबस्त करके आती हूँ। Thank you.
आंटी जी थोड़ा सा खा लीजिए। नहीं बेटी, कहने का हक तो नहीं रहा, लेकिन आपके ना खाने से अंकल जी की तबीयत ठीक तो नहीं हो जाएगी। जी अंकल जी। ओ हाँ, दवाई का वक्त हो चुका है। नमस्ते डॉक्टर प्रसाद जी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आइए डॉक्टर साहब आइए। ये बताइए, मंजू आपको सिर्फ दवाई पिलाती है या डांट भी? मैंने सुना उस दिन मंजू ने आपको टेलीफोन पर डांट दिया। उसके लिए माफी तो मैंने उसी दिन मांग ली थी। इसीलिए तो बात मैंने फिर से छेड़ी है। बैठो। बैठ मंजू बैठ। जानते हो उस दिन तुम्हारी डांट ने सिर्फ इन्हें नहीं मुझे भी बचा लिया। वो कैसे? आप जानते हैं जब हम लोग डॉक्टर पास करते हैं तो हमें एक शपथ लेनी पड़ती है, जिसे कहते हैं हिप्पोक्रेटिक ओथ। यानी हमें कसम खानी पड़ती है कि हम लोगों की मदद करेंगे, सेवा करेंगे वगैरह वगैरह। मगर कुछ ही दिनों में ये सेवा की भावना पेशे में बदल जाती है और ये पेशा तब हमें अपना जमीन बेचने पर मजबूर कर देता है। उस दिन की तुम्हारी डांट ने मुझे मेरी शपथ फिर से याद दिला दी। मंजू तुम जब फुर्सत में हो ना तो इसी तरह फोन पर डांट दिया करो। अच्छा अभी चलो। अरे अभी तो आए हैं, अंकल जी को नहीं देखेंगे? अभी मैं इनके लिए नहीं, तुमसे मिलने के लिए आया था। इनके लिए दोपहर में आऊंगा, कार्डियोग्राम लेना होगा। अच्छा जी, अच्छा अब मैं चलता हूँ। मुझे दे दीजिए ना तू ना, फिर डांट पड़ेगी। चलो बाबा चलो। नमस्ते। नमस्ते। He's completely out of danger now. बैठो निर्मला। तीन दिन हो गए, सुंदर वगैरह तो नहीं आए? मंजू कह रही थी आज ही सब लोग आ जाएंगे। याद है मैंने एक दिन कहा था कि ऐसी लड़की सिर्फ अपनी ही देखभाल कर सकती है, दूसरों की नहीं। मेरा ख्याल कितना गलत था। इन तीन दिनों में जो कुछ इसने किया मैं भी नहीं कर सकती थी। मैंने कभी किसी से हार नहीं मानी। आज तुम्हारे सामने स्वीकार करती हूं, इस लड़की ने मुझे हरा दिया। डॉक्टर बेटा तुम तो जानते ही अचानक ही हो जाता है। तुम लोगों के जाने के बाद मैं, तुम्हारी माँ और मंजू
मजाक कर रहे थे, उसने इतनी जोर से मुझे हंसा दिया कि प्लीज इन्हें आराम करने दीजिए, आप दवाई ले लीजिए। आज तुम दवाई लाई हो, मंजू कहाँ है? पता नहीं, आप दवाई ले लीजिए, वक्त हो चुका है। मंजू के हाथ से दवा नहीं ले तो नाराज हो जाएगी। एक बटन ने मंजू कहाँ है? हार्ट अटैक को भी इसी वक्त आना था, तुम लोग सब खुशियां मनाने गए थे और तुम्हारी मौसी वगैरह अपसेट हो गई होंगी। मंजू, 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 आंटी जी आप तो सब आ गए हैं, मैं पिताजी के पास जा रही हूँ। आप लोग रोक न ले इसलिए बिना इजाजत लिए जाने की बदतमीजी कर रही हूँ। आपको, अंकल जी को तथा सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत बहुत प्यार। आपके मंजू। हाँ बहू, जब से मुझे दिल का दौरा पड़ा मंजू बेटी एक रात भी नहीं सोई। इस तरह उसने मेरी देखभाल की है, भगवान करे सबको ऐसी बहू बेटियां मिले। माँ, ये चिट्ठी मंजू तुम्हारे लिए छोड़ गई है। हा? छोड़ गई क्या मतलब, चली गई क्या? हाँ पिताजी। क्या लिखा जरा जोर से पढ़ो ना। इधर आ मेरे साथ। बाद में ले लेंगे चलेगा? कोई बात नहीं, आप बाद में आकर ले लीजिए। चलो माँ कहीं और देखते हैं। हाँ हाँ। फिर तुमने मेरे घर का नियम तोड़ा, बगैर बताए चली आई। तुम क्या सोचती हो, एक चिट्ठी लिख देने से तुम्हारे सारे अपराध माफ हो जाएंगे? अब तो मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगी। घर वापस चलो, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करती हूँ और तुम्हें हमेशा के लिए अपने घर में कैद करके रखती हूँ। चल बेटी, चल घर। उसके बाद मैं आर्मी सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए गया तो ऑफिसर ने बड़ी भारी भड़कम उर्दू में मुझसे कहा कि आपको मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन मिली है, आप आर्मी में क्यों आना चाहते हैं? मैंने कहा मैं भी भारी भड़कम उर्दू में जवाब दूं कि नसीब कहूं या तकदीर कहूं, इन दोनों के बीच में घबरा गया। मैंने कहा मेरा नजदीक। उसके बाद क्या हुआ गर्लफ्रेंड? नहीं पिताजी, अब आप मुझे बहू ही कह के पुकारिए। तो गर्लफ्रेंड में क्या बुराई है, तुम मेरे दुश्मन तो नहीं हो, दोस्त हो, दोस्त को कहते फ्रेंड और तुम हो लड़की, तो क्या हुआ? मैं सब जानती हूँ, लेकिन आप मुझे बहू कह के पुकारिए ना, आखिर मुझे बहुत अच्छा लगता है।